हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू गेम। आज हम बनने जाने हैं फार्मर, तो फार्मर मतलब किसान लोग। तो हम जाएंगे खेती बाड़ी करेंगे, काफ़ी सारी हमारे दादा की ज़मीन है इस यहाँ पे इस गेम में। तो जल्दी से गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ज़मीन है और क्या क्या मशीनरी और क्या क्या टास्क करने हैं। अभी जस्ट गेम स्टार्ट किया है मैंने, तो यहाँ पर कुछ इंट्रो वीडियो चल रहा है। हाँ, पानी बॉयल कर, अंदर चावल हैं क्या? चावल बॉयल कर रहे हैं। ओके okay. अच्छा, ये इनकी स्टोरी दिखा रहे हैं कि ये चावल आए कैसे इनके पास, है ना? तो ये आए थे ऐसे, गाड़ी इनकी छूट गई, एक बफलो इनको नजर आई, वाटर बफलो है ये जो आम घर में पाली जाती है। तो यहाँ बफलो का पीछा करते हुए आए, आगे से फार्मिंग हो रही थी, कोई बंदा ट्रैक्टर पे वो कर रहा था, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम भी यहाँ पे रहते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो ये डेफिनेटली राइस की क्रॉप वो लगा रहा है, ठीक है। वो ना हो, ये दादाजी हूँ, मतलब वही उन्होंने यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट की थी ना इस एरिया में। और ये इनकी वाइफ दादी है ना। बाकी यार ग्राफिक्स औला लग रहे हैं, देखो फुल, मतलब वही रियलिस्टिक फील आ रही है। और उन्होंने कितना बड़ा ट्रैक्टर ले लिया भाई। पानी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे चावल लगाए हुए हैं और वो बड़े हो गए। अच्छा, ये भी चलाती है मशीन, है ना? दोनों मिलके वो एक कटाई कर रहा है, एक वो उसमें लोडर ट्रॉले में लोड कर रहा है। फार्मिंग सिमुलेटर 25, दैट्स इट गाइस। ओके, अलार्म बोल गया, मतलब टाइम हो गया 15 मिनट पूरा, चावल हो गए तैयार। अभी ये लोग चावल खाएंगे गर्मा गर्म। ठीक है, क्या मिस है? अभी ये मुर्गी की तरफ क्यों देख रहे हैं? इन्होंने चावलों में मुर्गी नहीं डाली, वो मुर्गी की तरफ दोनों देखने लग गए। Maybe some fresh spinach for a change. खैर, तो farming is all about vegetarian stuff. तो यहाँ पे आ गया भाई, इसकी पहले सबसे पहले options check करते हैं। इसके graphics करेंगे max, क्योंकि भाई जब तक game के graphics max नहीं करेंगे तब तक पता चले कैसे चलेगा game बनाया कैसे। ओके, इसकी already ultra है। Let's, हैं? Character creation भी है इसमें। भाई क्या detail बनाई है इन्होंने, मतलब बहुत मजा आने वाला है इसमें फिर तो। ओके, मैंने अपना करैक्टर रेडी कर लिया गाइस, और कपड़े छपड़े इसको पहना देते हैं। आ जाओ गाइस। तो मैं आ चुका हूँ फार्म पे, ये है अपना फार्म। ये बड़े बड़े ट्रीज देख रहे हैं दादाजी ने लगाए हैं सारे, और यहाँ पे रास्ते शस्ते आ रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने मकान बनाए हुए हैं, मतलब क्या बनाए हुए हैं, कुछ स्टोरेज हैं, कुछ वो है जानवरों के घर हैं, कुछ अपने रहने के लिए घर है, ऐसे मतलब सारा बनाया हुआ है ना। तो ये है दादाजी, तो ये आए थे इधर, इनसे बात करते हैं। Welcome to our lovely farm, kiddo. Okay. I'm glad you're here to continue the family business. I'm also glad. The fact that you're about to take over the farm makes your pops quite happy. Okay. Not gonna lie. ठीक है। When your father told me on a visit that he didn't want what I built ठीक here, है? I thought that was it. He even called it a dung heap when he left in his fancy अच्छा. suit. अच्छा। And then he stepped into the room. कि तुम्हारा बाप जो था वो छोड़ गया ये काम, उसे पसंद नहीं आया। It's okay that he does his own thing. But I thought I had to sell the farm. अच्छा। Thanks to you, it can stay in the family. You don't know what that means to me. Otherwise, your crazy uncle might have turned it into an amusement park with the main attraction of catching chickens on the fields or something. Anyway, farm ठीक है यार, वो amusement park में सही। I can tell you some stories later. And just so you know, I'm not out of the picture just Bilkul. yet. I'm here if you need me. Just like your friendly neighbors, you should talk to sometime. ठीक है. They're nice people. A bit strange perhaps, but still delightful in their own ठीक ways. ठीक है, कोई बात नहीं. So, do you want me to give you a quick tour? हाँ, जाहिर बात है यार, अभी भी गेम ऑन किए मैंने, तो मुझे टूर चाहिए. Yes, give me tour. Okay then, let me show you a couple of things. Ease you in.
There will always be people to help you out. यार ये यंग बंदे की आवाज आई है ना उसमें पिच डाउन की करके वोटी बनाई हुई जिसकी आवाज राइट नेक्स्ट टू द फार्म वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ फील्ड ठीक है देयर्स आल्सो अ बिग ट्रैक्टर विद अ कल्टीवेटर भाई अपने पास बिग ट्रैक्टर भी है आई विल वॉक यू थ्रू हाउ टू ऑपरेट ठीक है आई कांट वेट टू सी यू गेट स्टार्टेड हां मुझे भी यार वेट नहीं हो रहा कहां पे है ट्रैक्टर मुझे बताओ वहां पे है ओके लेट्स गो अभी गेम के लैग क्यों कर रहा है लोडिंग चल रही है क्या ऑलराइट गाइस चलते हैं ट्रैक्टर के पास यहाँ पे है कहीं पे नल्ला कहीं पे खड़ा होगा इसके अंदर है क्या ओ तो ये है इसके पीछे मशीन भी लगी हुई है तो यहाँ हैं दादाजी टेलीपोर्ट कर गए यहाँ कैसे आए Are you ready अबे to Then hop onto the tractor and attach the cultivator. ठीक है It's just to the back. ओके तो वो मुझे दादा कह रहा है कि इस पे बैठो भाग के बैठो जंप करो और कल्टीवेटर इसके साथ अटैच कर लो जल्दी से तो किधर से चढ़ना है भाई हाँ इधर से चढ़ना था मैं उधर गलत रास्ते पर चला गया मतलब उधर से भी चढ़ सकते हैं यार कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं होनी चाहिए इस पर जहाँ तक मुझे याद है यार मैं गांव में जाता हूँ तो ट्रैक्टर दोनों साइडों से ओपन होता है ठीक है ओके गाइस स्टीयर करो इसको वो हमने अटैच कर लिया पीछे प्लोइंग मशीन है वो उसको हमने कर लिया अटैच इसको लेके चलते हैं फील्ड पे और फिर जाके करेंगे वहाँ पे प्लोइंग ठीक है गाइस हल चलाएंगे ना हल साथ बांध लिया हमने आज ले चलते हैं इसको वहाँ पे जाना है भाई बिल्कुल रियल ट्रैक्टर वाली आवाज़ है और फील भी वही आ रही है गाइस ओके मैंने सीधा खेत में डाल दिया दादाजी नाराज ना हो जाए अबे नहीं वो तो खुश हो रहा है अच्छा otherwise the grain will not grow very well lower the cultivator and drive straight ahead it's easy as spilling milk ओके कल्टीवेटर को नीचे करना है ऐसे हल को नीचे कर दिया और अभी चला देना है ट्रैक्टर वही चाहते साथ ही इसके अंदर वाली व्यू पे जाएं हाँ यहाँ पे इतना शोर नहीं आ रहा अबे बड़ा डिजिटल ट्रैक्टर है यार नया वाला है ना ओ कितने नॉब्स हैं यहाँ पे भाई बटन्स एलसीडीज पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे ओबे अबे हल चल रहा है रियल वाला मिट्टी भी उड़ रही है क्या बना दिया यार गेम वालों ने आ जाओ गाइस यार तो बहुत मज़े वाला काम है यार बाहर से देखते हैं आ जाओ हाँ कितने मज़े से नल्ला बैठा हुआ है अंदर आ जाओ ओके यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप है ऊपर उस साइड पे कुछ स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं इधर मैप है और इधर एक तो है स्पीडोमीटर और साथ में गेजेस आ रही हैं रिपेयर गेज है और ऑयल गेज अच्छा रिपेयर भी डाउन होता है जब जैसे अच्छा मतलब जैसे जैसे हम मशीनरी यूज़ करेंगे वो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो चाहिए होगी उसके लिए ना अबे मैं कहाँ आ गया हूँ नल्ले सीधा चला यहाँ पे चलाना था ना ऐसे करके सीधा अबे सीधा नहीं हुआ थोड़ा बैक जाना पड़ेगा इसको बैक लेके जाते हैं और या अभी ज़्यादा हो गया अच्छा यार जितना इसका स्टीयरिंग मोड़ दो ना वहीं पे रुका रहता है वापस नहीं आता वापस खुद से मोड़ना पड़ता है तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है बिल्कुल ये तो रियलिस्टिक हो गया यार नॉर्मली हम क्या होता है कि कोई भी रेसिंग गेम या ड्राइविंग सिमुलेटर किसी में भी हम करते हैं ना जैसे ही हम टर्न करते हैं कीबोर्ड से या कंट्रोलर से तो वो वापस अपनी ज़ीरो पर आ जाता है ऐसे ही है ना लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इसको वापस भी लाना पड़ेगा मैन्युअली ठीक है भाई कितनी डिटेलिंग है ट्रैक्टर में एक एक लीवर उसका पाइप प्रेशर पाइप है उसके और वो जो जितने भी पार्ट्स हैं बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे रियल ट्रैक्टर है यार भाई आई एम इम्प्रेस्ड गाइस मज़ा करा दिया यार डेवलपर ने
दादाजी खड़े तमाशा देख रहे हैं। ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पे लगाते हैं अगली लाइन। आ जाओ, ठीक है ना, नीचे कर दें इसको। ओ आ जाओ, बढ़िया कर रहे हैं हम काम वैसे, है ना। दादाजी कहते हैं अभी बूढ़ा हो गया, उन्हें मेरे से नहीं होता काम, तुम शुक्र है आ गए हो, तो आप फैमिली बिजनेस को संभालो। ठीक है भाई, दादा कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा दादागिरी मत करना मेरे पे। ठीक है, अभी हमें फुल टर्न करके उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा रह गया ना, यहाँ पे टकते हैं अभी। ये सीधा क्यों नहीं हो रहा, बड़ा नाल का बिल्ला है ये तो। ओके हो गया ना सीधा, अबे नहीं हुआ, वो इधर को क्यों जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे कर दूँ ना, आ जाओ गाइस, कवर हो जाएगा एरिया। अबे ये बीच में क्यों जा रहा है, दोनों साइडों से छूट जाएगा। अबे यार दोनों साइडों से ही छूट गया गाइस, दैट्स नॉट गुड। दो चक्कर और लगेंगे, अभी मैं थोड़ा सा राइट या लेफ्ट हो जाता ना तो एक और दो चक्कर में हो जाना था, अभी तीन चक्कर लगेंगे टोटल। आ जाओ, इसको उठा लेते हैं, क्योंकि ये जो कल्टीवेटर है ना, तो ये अगर मतलब ऐसे करेंगे ना इस पक्की ज़मीन पे, तो ये ख़राब हो जाता होता है ना, जहाँ तक मुझे याद है। आ जाओ, तो यहाँ से इसको डालते हैं नीचे। आ जाओ, चलो भाई अब स्पीड से करते हैं काम, जल्दी से उधर से घूम के आते हैं फिर। यहाँ मैं 15 से ऊपर जा ही नहीं रहा, 15 स्पीड पे जाती है बस, शायद ये जो पीछे मशीन बांधी हुई है उसकी कोई लिमिट होगी, उससे ऊपर नहीं जा रहा फिर। ठीक है, ऊपर उठा लिया हमने, अभी ऊपर, अभी स्पीड भी ज़्यादा जा रही है ना, जब वो नीचे डाउन जाता है ना तो स्पीड ज़्यादा नहीं जाती। आ जाओ, अब ठीक है, सारा करेंगे ये वाला भाई। मैं फिलहाल अपने आप को गेम के अंदर फील कर रहा हूँ गाइस, सच बताऊँ तो कितना हो गया, 98%। ओके, स्टेटस भी आ रहा है इसका, 99 हो गया। ओके, कंप्लीटेड। Now drive back to the garage and get out the seat. I'll meet you there. भाई सारी मशीनें रखी हुई हैं इधर, ठीक है अभी ये रख के आना है और सीडर लेके आना है। यहाँ भी दादा खड़ा है, वो उधर भी दादा खड़ा हुआ है भाई। ये टेलीपोर्ट करके बड़ी जल्दी पहुँच जाता है उधर, इसको अंदर ले जाऊँ क्या, कैसे? लेकिन अंदर तो वो मशीन पड़ी, अगर इसको अंदर ले जाता हूँ तो फिर वो कैसे अटैच करूँगा, है ना गाइस। अरे इसको क्या करना है, यहाँ पे करते हैं क्या, मैप में से लोकेशन तो यहीं पे आ रही है, पिन पता नहीं इसका मतलब क्या है, पता नहीं यार, मैं इधर इसको खड़ा कर देता हूँ, क्या कहते हो। ठीक है, ठीक है, इसको डीटैच करके और सीडर को अटैच करना है। इसको खोलेंगे कैसे, कैसे होगा डीटैच, डीटैच क्यू, क्यू से होता है। अबे नाउ यू नीड टू, इतनी रियलिज्म, ड्राइव बैक स्लो यार, मजाक मजाक हो रहा है क्या ये। यहाँ से बैक लेके आना है, और देखो जब ट्रैक्टर जाता है ना खेत में गाइस, रियल में मैंने देखा है, तो उसके टायरों के साथ मट्टी जो चिपक जाती है, जब वो वापस पक्की जगह पर आता है तो मट्टी ऐसे थोड़ी थोड़ी करके गिरती रहती है, तो ये देखो बिल्कुल वैसे उसकी मट्टी से गिर रही है और टायरों के निशान बन रहे हैं भाई, ये अलग ही लेवल की फील है यार। और आवाज़ सुन रहे हो, भाई मज़ा आ गया यार कसम से। ओके, इसको अटैच करना है क्यू, आ जा भाई। Sewing machine you just attached is empty.
अच्छा ये खाली है। But don't you fret. I just went to the store. Next to the shed you will find a big bag with seeds. ठीक है। Get over there to fill the seeds. ठीक है, वो कह रहा है कि मैं कुछ सीड लेके आया हूँ। मेरे ख्याल में यही बैग है जो सामने पड़ा है ना। हाँ यही है, इसको फिल करते हैं। आर दबा के, आर से होगा ना। हाँ आटो गाइस, ओके भरना शुरू हो चुका है। ओके बैग खाली हो गया। Now you're ready to go. Last week I cultivated a field over there. Cultivated fields are ready to be sown. It's pretty straightforward. Okay. Drive the machine to the field and meet me there. ठीक है। We'll bring out canola. चलो गाइस चलते हैं उधर ही जहाँ पे इसमें एक कल्टीवेटेड फील्ड चल रहा है, छोड़ा हुआ है। ये उधर वाला फील्ड है। अबे टेलीपोर्ट करके उधर कैसे पहुंच गया ये? ठीक है कर ले मजे, मस्ती कर रहे मेरे साथ। Here we are. One thing you need to pay attention to is timing. Plants need to be sown in specific seasons. ठीक है। It's midsummer. It's the perfect time to sow canola. In any other period, you might want to switch to a different kind of crop. You can always check the crop calendar. First, we need to prepare the seed. Choose the canola seeds, as the big bag is filled with all kinds of seeds. ठीक है, तो canola यहाँ पे लगाना है हमने। अभी फिलहाल जो है वो wheat जो है वो selected है, गंदम selected है। हमें इसको change करके canola करना है। तो ये किससे होगा? Change, select seed, okay, Y से होता है। Okay. Seeding is easy. Canola कर दिया हमने। While seeding, straight lines are important though. Go back and forth to bring out the seed with as few gaps as possible. Okay. At some point, you'll have to buy a big bag of seeds at the store to refill. But now you can use what you've got. ठीक है। Now you've only got to switch the machine on and lower it to the ground. ओके तो अगर हमें सीड चाहिए होंगे तो हमें वो स्टोर से जाके लेने पड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास इतना सीड है कि हम अपना काम जो वो कर सकते हैं, है ना। तो इसको ले चलते हैं आगे। आ जाओ तो यहाँ से करेंगे हम स्टार्ट, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे गाइस, क्या कहते हो? यहाँ पे है ना, थोड़ा पीछे ले ले। एक तो यार इसकी अलाइनमेंट मेरे से अभी ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। ओके वो तो गई। आ जाओ टर्न सीडर ऑन, टर्न ऑफ सीडर। ओ भाई अलग ही लेवल की यार रियलिज्म है इसमें तो। आ जाओ गाइस सीडर चल चुका है, आ जाओ। अबे यार ठीक है ना, अभी सब कुछ ठीक है, ऐसे ही चलना है। आ जाओ गाइस लाओ। और 78% हमारा जो है वो सीडर फुल है ना। ओके सीडिंग हो रही गाइस, क्या लेवल है यार। That's how it's done, kiddo. ठीक है, मुझे रोक क्यों दिया? Always keep an eye on the weather. अच्छा. According to the weather forecast, it's going to rain soon. That's perfect for canola, but not as good for the wheat on the other. खेत वीट चूंकि पकने वाली है, उसके लिए अच्छी नहीं है बारिश। कैनोला अभी चूंकि बीज रहे हैं हम, तो इसके लिए अच्छी है बारिश। तो हमें वीट जो है वो पहले वो करनी पड़ेगी ना, कल्टीवेट करनी पड़ेगी। ऐसे ही है, हार्वेस्ट करनी पड़ेगी, कल्टीवेट नहीं हार्वेस्ट। तो ये एआई को दे दिया। अच्छा तो फिर अब इतनी देर से मेरे से क्या करवा रहा था ये? जब एआई कर सकता है तो फिर मेरे से क्यों? टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट व्हीकल आएगी। तो ये एआई क्या कर रहा है यहाँ पे बीच में आके, क्यों कर रहा है भाई? अबे बीच तबाह करने मेरे यार, ये एआई क्या कर रहा है? गल्ला गई का।
ठीक है, बस बीच बीच में, अबे यार क्यों, बस इतने से एरिया में करने ही, बाकी नहीं करना क्या? Unbelievable guys. चलो ठीक है, ये आ गई अपनी हार्वेस्टर. Are you up for something exciting? Because we'll do the harvesting. हार्वेस्ट करने वाले हम. That needs taking down. आ जाओ. You still up for it? Let's go. For the harvester sits on the trailer attached at the back. चलो भाई हार्वेस्ट करते हैं. But drive carefully. That machine is a. पता है मुझे बीस्ट है ये. नजर ही आ रही इतनी बड़ी मशीन है ये. भागती कितना मुझे ये बता. जाना कहाँ पे है अबे? ओ पीछे जाना है. यहाँ से घूम के जाते हैं ना. यहाँ से आ जाओ गाइस. अभी तक हार्वेस्टर देखी थी मैंने लेकिन चलाई नहीं थी. आज मैं चलाऊंगा गाइस, लाइक गेम में चलाऊंगा. कोई बात नहीं. अबे स्कूल बस, यहाँ पे स्कूल बस भी है. और ये क्या शॉप बनी हुई है यहाँ पे, कोई पता नहीं गाइस. आ जाओ इसके पीछे पीछे चलते हैं स्कूल बस के. वो आसाम नहीं है, बाकी सारी वही फसल काटी हुई है, थोड़ी सी बीच में खड़ी हुई है, हमको सिखाने के लिए छोड़ी हुई है इन्होंने, है ना. इसको चल के हार्वेस्ट करते हैं. आ जाओ मैं जाऊँगा कहाँ से, कोई रास्ता होगा यहाँ से क्या? ये क्या है? ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है, यहीं से चलते हैं. आ जाओ. और ये खड़े हैं दादाजी. तो हमें उसका हेड लगाना पड़ेगा गाइस. तो ठीक है पीछे उसका हेड है, इसको हमने अलग कर दिया. अब इसको घुमा के लाएंगे, उसके सामने खड़ा करेंगे और फिर हेड जो इसका अटैच करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इसका हेड होता है आगे हार्वेस्टर का, अगर आपने देखी हुई हो. और वो खींचता है अपने तरफ उसको ना, क्रॉप को. तो यहाँ पे फिलहाल हमारे सामने ये हार्वेस्टर है और ये हेड पड़ा है इसका. आ जाओ. ओके अटैच करो इसको. Before you can start harvesting, the grain tank needs to be unfolded. ठीक है. Do that and bring yourself. Grain tank. मेरे ख्याल में वो ऊपर होता है ना इसके. ओ इसको X से करना है unfold. ठीक है guys. ये ऊपर है grain tank. देख रहे हो ऊपर? जहाँ तक मुझे याद है. पहले इसको करेंगे unfold, उसके बाद मेरे ख्याल में ये चलेगी, है ना. चलो तो एक दफ़ा मैं ना इसकी पोजीशन पे इसको ले जाऊँ. अबे वो नेक्स्ट एरो नहीं आ रहा, वो ट्यूटोरियल वाला है ना. यहाँ पे खड़ा करते हैं इसको. अभी हेड को करते हैं नीचे. हैं गाइस हेड को नीचे करते हैं. सीधी होगी क्या? वो तो गई लगता है. तसल्ली नहीं हो रही ना कहाँ पे सीधी होगी. ऐसा ना हो साइड से एक एक पौधा छूट जाए, फिर मुझे उसके लिए पूरा चक्कर काटना पड़े. ठीक है चलो अब खोलते हैं इसका. वो क्या नाम था, अब मुझे तो नाम भूल गया उसका. सीड बॉक्स था क्या था? हाँ ये था. ठीक है अबे चल गया भाई. क्या रियल लग रहा है यार काम. ओके इसको नीचे कर सकते हैं ऐसे और इसको चला देते हैं. ठीक है थैंक यू. चुप कर जा. चलो गाइस चलाते हैं इसको. अबे
पीछे से वो निकलेगा। अबे कितनी रियल लग रही है यार ये तो, भाई कमाल हो गया। और ऊपर से ये मिट्टी से क्या निकल रही है इधर क्या? अबे ऊपर से गंदम ऊपर निकल रही है, वीट जो थी ना उसकी दाने थे वो ऊपर निकल रहे हैं मतलब सीड बॉक्स में। अबे यार ये तो कमाल हो गया यार, है ना, बिल्कुल रियल बना छोड़ी है इन्होंने। पीछे ट्रेन भी जा रही है, वाह ट्रेन भी कभी देखेंगे, अभी तो देखो यार कितनी रियल लग रही है, कमाल हो गया ना। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा हम गंदम काट रहे हैं, कमाल। यहाँ से ऐसे घुमा के ले जाऊँ क्या? अबे नहीं थोड़ी सी छूट गई है इसको ना, पूरा चक्कर ही काटते हैं गाइस, क्या कहते हो? तो नीचे करो, लेट्स गो। अच्छा थोड़ा सा बाहर से भी खींच लेता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं सोच रहा था कि बस जो उसके आगे आगे है बस वही खींचेगा, लेकिन ये तो मजे का काम यार। ओ ऊपर टैंक फुल होने वाला है, ऊपर कितने दाने गिर रहे हैं उसमें से बाहर आ रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता फुल हो रहा है, 18% हो चुका है उसकी कैपेसिटी का, है ना गाइस। पता नहीं कितने इसमें, मैंने पढ़ा था कहीं 8000 जो है वो इसमें आ सकता है पाउंड, तो अभी तक 1700 हुआ है, 21% हो चुका है। तो बहुत मज़े का काम है यार ये तो, मैं बिला वजह परेशान हो रहा था। आ जाओ इसको नीचे भी तो करना है, चलो गाइस एक और चक्कर लगेगा और काम खत्म। बढ़िया काम कर रही है गाइस ये तो, ओके तो यहाँ से सकतांग था या क्या फील्ड क्या तो खत्म हो गया ना। ओके गाइस ये लाइन कंप्लीट और फील्ड प्रोग्रेस 95% ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं इसको, ओके बढ़िया चल रही है यार ये तो, और अल्लाह देख बैठा हुआ मेरा। अबे थोड़ी सी रह गई ज्यादा, अबे वो तो ठीक है थोड़ी सी रह गई थी अभी। अच्छा ठीक है, तो पहले ये काट तो लूं मैं, क्या कहते हो कितना काटो? क्या करें गाइस थोड़ी सी वैसे रह गई है, चलो छोड़ो उसको, नहीं तो हमें क्या, इसको वापस ले चलते हैं उधर जहाँ पे वो खड़ा हुआ है दादा, ठीक है इसे थोड़ी सी घुमा के खड़ी करते हैं ना। अबे कैसे करूँ खड़ी में, कोई एरो शेरो भी नहीं आ रहा। अच्छा ऐसे कर देते हैं खड़ी यहाँ पे, और ये बी से ओ से होगा पाइप ये, आ जाओ
pipe will start extending. ठीक है. And the wheat will start to pour out. Automatic होएगा इस तरह. लेकिन वो नीचे गिर जाएगी. हाँ. There's no trailer. Trailer नहीं है ना. Trailer आएगा तो वो करेगी. Go get the trailer in the garage. Come back to the field. तो फिर ट्रेलर लेके चलते हैं, इसमें डालेंगे सारी वो गंदम जो अभी काटी है हमने. यार्स को भाई ट्रैक्टर बढ़िया भागता है गाइस, बस काम करते हुए थोड़ा सा स्लो होता है. शायद वो जो इक्विपमेंट हम अटैच करते हैं ना उसकी कोई वो लिमिट होगी, स्पीड लिमिट है ना. बाकी तो बढ़िया है. ठीक है, उसके साथ जाना है मुझे पता है. मैं अभी घुमा के लाता हूँ, यहाँ पे खड़ा करते हैं. चलो मीट हाँ, वेट इट आउट टिल इट्स अनलोड. हो रहा है. ओ भाई क्या क्या हो रहा है इसमें. वेल डन. ओके हो गया. यू कैन आइदर स्टोर द क्रॉप इन योर साइलो. ओके, साइलो के अंदर हम सेव कर सकते हैं. वो जो ड्रम बड़े होते हैं, बड़े बड़े ड्रम से जिसे हम बड़ोला भी कहते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं इसको, या हम इसको बेच सकते हैं. तो वो कह रहा है भाई इसको जाओ ले जाओ, मैंने ना किसी से बात की हुई है ये उसको बेचने हैं मैंने, तुम जाओ उसको बेच के आओ जल्दी से. तो जाहिर बात है हम इसको बेचेंगे तो हमें इसके पैसे ही मिलेंगे. लेट्स गो, इसको बेच के आते हैं. आलो गाइस ट्रैक्टर भगाते हैं बढ़िया वाला. 40 की स्पीड पे जाता है ना. हाँ 40 से ऊपर नहीं जाता. यहाँ से इधर अंदर ही है कहीं क्या. कहाँ पे जाना है. चलो अपना फार्म है, शॉर्ट कट मारते हैं. जैसे होगा तो आगे कहीं मतलब यहाँ पे तो नहीं होगा ना. ओके ये साइलो है अपना, हम इसके अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को. ठीक है, बाद में हम साइज साइलो को अपग्रेड भी कर सकते हैं, इसको बड़ा साइज भी बना सकते हैं. ओके यहाँ पे मैप भी आता है ना. तो मैप के अंदर हमने कहाँ जाना है, हम अभी है यहाँ पे. तो आगे तो बंद है यार, फील्ड्स है किसी के और आगे पानी है. पानी ना ना होता तो मैं फील्ड्स के अंदर से ले जाता, लेकिन अभी चूंकि पानी है तो पानी के अंदर से हम गुजर नहीं पाएंगे. तो बेहतर है हम रोड बाय रोड जाएं. अभी स्टॉप तेरी मैं बताता हूँ तेरे को. स्टॉप को हमने गिरा दिया. अभी नीचे क्यों चल रहा है, तेरे ऊपर चल रहा. अबे ये गंदम ही है ना, क्या लग रहा है. एक मिनट कैसे करें. अबे हाँ गंदम ही है ये. ये देखो गंदम के दाने हैं ये. मुझे लगा वो मकई के दाने लग रहे थे. चलो क्या ठीक है. स्टॉक इतना भी नल्ला नहीं है अपना दादा ना. सही उसने फार्म चलाया ही सारी उम्र. अभी आराम से उल्टी ना हो जाए ये. ओके तो इस बंदे के पास आना था भैया, तो पहले आया हुआ इधर. If you don't like the prices you can you can also store the grain in your teleport. बहुत करता है ये. Sell your goods later. Now, let's get to it. Drive the trailer over the tip area and unload.
ओके अब क्या करना है? अच्छा इसको उसमें डालना भी है, जा रही है ना? हाँ खाली हो गया। At some point, you'll do this in your sleep. Now, let's go back to the farm, shall we? आजो वापस चलते हैं फार्म पे। यहाँ पे काम हमारा हो चुका कंप्लीट। ट्रैक्टर को भगाते हैं गाइस। अबे गाड़ी आ गई आगे से। अबे गुजर जा ना। चल मैं इधर से इधर। चलो गाइस मिलते हैं आपसे फार्म पे चल के। ओके मैं आ चुका हूँ फार्म पे। यहाँ पे अभी ट्रैक्टर हमने छोड़ दिया खाली, उतर चुके हैं हम। ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है, 97% हो चुका है। You're back. Splendid. Yep. I started wondering if you joined your father. Well, where were we? Right. You've seen the most important steps on the field. Okay. There's always more to do, like yield improvement, liming, fertilizing, weeding. Those require special equipment. Next thing is gaining a bit of a feel for everything. I'll just leave you to it so you can try out a few things. ठीक है। You don't want your old grandpa meddling with your business all the time, do you? But I'll be here if you need anything. If you want more detailed info, तो ट्यूटोरियल हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। He has been one of my most trusted helpers in the past. ठीक है। He will gladly. तो कुछ बंदे हैं वहां से हम मिल सकते हैं जाके। Techniques. Now, get to farming. Dung heap indeed. You'll do just fine. Yep. मुझे भी पता है। This farm is your farm now. Okay. आयो गाइस। अबे यहाँ पे गाय भी रखी हुई हैं। ये क्या है? आइकन जा रहे ऊपर। यहाँ पानी का आइकन है। यहाँ पानी खड़ा है, फ्रेश है, ठीक है। पानी वानी पी लेती हैं इधर से। और क्या है यहाँ पे? वो आवाज़ भी आई उनकी। यहाँ पे चारा होता है मेरे ख्याल में, क्या कोई फीड वगैरह होती होगी ना? ओके काउज, एनिमल में काउज है अभी सिर्फ, है ना? और 0 मंथ का, 6 मंथ का, 18 मंथ का, मतलब बच्चा भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी, एडल्ट भी ले सकते हैं, और फुल ग्रोन जो है काउ वो भी ले सकते हैं जो आते साथ हमें दूध देगी। दैट्स गुड। तो इनका वो कैसे मिल्किंग कैसे करनी है? ये मुझे मारेंगी तो नहीं? इसे देख के पास है। अबे नहीं यार ये तो बड़ी शरीफ गाय है, मारती वारती नहीं है ये। दूर से भैंस लग रही थी लेकिन ये गाय है। इसका सर सुर देखो ना, इसके ऊपर टॉर्च मारूं क्या? फिर तो नहीं मेरे पीछे लगेगी, पता नहीं। और भी है एक और ब्लैक गाय, या और एक है ये ब्राउन गाय, गाय है जी। इनके सींग भी नहीं है, अच्छी बात है। आ जाओ गाइस निकलते हैं यहाँ से बाहर, फिर देखते हैं आगे। अबे मेरा बंदा कहाँ है? मैं उस बंदे, अपने बंदे को नहीं देख सकता क्या? ओह ये है भैया नल्ला, यहाँ पे ट्रैक्टर चला रहा था, मतलब तो नज़र आ रहा था। ये जंप कैसे अबे नल्लों की तरह जंप करता है क्या? देखो तो सही, ये दे कैसे जंप कर रहा है गंदा। चलो हेलो गाइस, अभी दादा क्या कहेगा? This isn't a successful farmer standing in front of me. Uh-huh. You can call me a goat and feed me some oats. अच्छा। I just noticed your bank account. Listen, I'm proud of you, kiddo. अच्छा। Don't you think this is about money though? You brought stability and security to the farm. अच्छा। That's all I ever wanted. Not the money. That's just an indicator. वो कह रहा है कि पैसा नहीं चाहिए, बस फार्म को चलाओ। Congratulations. फार्म को चलाना ही है गेम का मकसद, पैसा कमाना तो नहीं है ना। तो क्या करें इसको? आई कैन आई हेल्प विद यू समथिंग? देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी डन अराउंड टाउन। अच्छा क्या क्या? वीडिंग है, टाइम द व्हील द होल, क्लियर दोस अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है। डू यू ओन द रिक्वायर्ड मशीन? उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? कोई बोरो देम फॉर अ स्मॉल फी। How do you want to do it? क्या करें? बोरो कर लें, है ना? To get rid of weeds this size, or when growing crops in rows,
You need a hoe instead of a mechanical wheel. अच्छा. Attach it to your tractor. How do you want to do it? तो मेरे पास हो तो पता नहीं है कि नहीं, तो क्या बारो कर लें? पता नहीं कहाँ पे होगी बारो. यहाँ पे बैन है एक बंदा, ये बैन दादा जी इसका बता रहे थे, इससे मिलते हैं. Look who we have here. अच्छा. Last time I saw you, you were playing in Cowdon. Remember me? I'm Ben. Some call me by my nickname, Helper B. You know, I've been helping your old grandpa for well over 3 decades now. Walter hired me as a helper some 35 years ago. I was still fresh, couldn't drive a plow straight around the corner of an odd-shaped field. He showed me everything back then. Okay. It didn't take long before your grandparents couldn't live without me. He and his wife welcomed me to the family. And I became part of the farm. Did I want to run my own farm when I was young? Yes, I did. But that never happened. Doesn't matter, though. In a way, you could say I got stuck here. But I tell you what, that's the best thing that ever happened to me. I don't have to travel the world and reinvent myself all the time. That just sounds exhausting. I like you already. And you know, Walter has been a great boss and mentor to me. But let's get back to the present. I'm happy that you're here and taking over the farm. Last few months have been a challenge. I tell you that. Walter is getting older. He's tired. He'd had deep wrinkles on his forehead before you arrived. Even deeper than usual. And I'm not getting younger either. I avoid movement at all costs to protect my joints. However, since it was set in stone that you'd take over, his mood instantly turned around. Tell me, are you nervous about taking over? No. Don't be. You don't have to do it alone. There are people here who will help you. I remember my first day at the farm. I felt like a newborn calf, stumbling around aimlessly. But don't worry. We'll get you up to speed. This, well, since your grandfather slowed down, he didn't really bother with the latest machines and did a lot of stuff, well, in an old school kind of way. That's probably why he sent you to me. I'm an avid reader of all those agricultural magazines, you know? Old, but still learning. However, if you need advice on livestock or forestry, you should talk to Katie and Noah, the local animal farmer and lumberjack. Achcha. If you come to me, I can help you make sure everything grows well in the fields. Okay. As your grandpa always says, a watched crop never fails. Except if a twister hits. Happens. Whenever you need me, kid. See ya. ठीक है, इसने काफी इन्फॉर्मेशन दी है और कहता है कि भाई तुम्हें कभी जरूरत हो. अभी इसकी गाड़ियां कितनी कितनी खड़ी हुई हैं. अबे इसकी गाड़ी में बैठ सकता हूँ क्या? अबे दिन टाइम भी लाइट आ रही है उसकी, इतनी तेज टॉर्च है मेरे पास. वाह, उसकी गाड़ी में बैठ सकता हूँ मैं? ना, गाड़ी में नहीं बैठ सकते भाई. मेरे ख्याल में मुझे ना गाड़ी में, गाड़ी चलाने के लिए अपनी गाड़ी जो है वो लेनी पड़ेगी. लेकिन अभी मैं इतनी लग्जरी में नहीं जाऊँगा, वरना फार्मिंग कैसे करूँगा. अभी तुम टेलीपोर्ट हो सकती हैं ऐसे मशीन के अंदर, जहाँ भी खड़ी होगी मैप के थ्रू. और इसको अनफोल्ड करते हैं ना, इसको फोल्ड करते हैं भाई. यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो चुका है, तो ये मशीनरी अंदर खड़ी करते हैं. ऊपर से बारिश वारिश आ गई तो ख़राब हो गई बिना बजाई. आ जाओ, ये ऊपर वाले ढक्कन भी बंद कर दें इसका. ओके, पीछे वाला भी बंद हो गया. वो कैसे होता था ऊपर वाला? इसको इसके ऊपर फिट कैसे करना है? पता नहीं यार, छोड़ो. ऊपर वाला बंद कर दिया. ओके, नेक्स्ट ये था. अच्छा, ये वो हो मशीन है जिसकी वो बात कर रहा था वॉल्टर, है ना? ये मशीन इसके साथ हम बांध के ले जाएंगे वीडिंग करने के लिए, है ना, वो जड़ी बूटियां वगैरह रिमूव करने के लिए. आ जाओ गाइस. ओके, अटैच हो चुका है साथ में. लेट्स गो.
आ जाओ। बढ़िया लग रही है, लेकिन ये काम कैसे करेगी? शायद कोई इसका सीन होगा यार, ये ना कोई अनफोल्ड वोल्ड होएगी, है ना। अभी फिलहाल चलते हैं इसको खेत में चल के इसको अनफोल्ड करेंगे। यहाँ पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना ये चीज़ों के साथ अटकेगी और ये टूट जाएगी, इसको ना डैमेज होगा। अभी ट्रैक्टर भागता कितना है ये। ओके, हम आ चुके हैं इस फील्ड के अंदर जहाँ पे इसने काम करना है, तो इसको करते हैं अनफोल्ड गाइस। ओ भाई, एक दफ़ा और। वही कितनी चौड़ी होगी ये मशीन। बढ़िया यार ये तो, वाओ। पूरा नीचे वो लग चुका है ना, मतलब ऐसे पूरी लाइन बन चुकी है। आ जाओ गाइस, इसको यहाँ पे करते हैं सेट। यहाँ पे बिल्कुल अलाइन करके इसको फिर चलाएंगे, भगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं इसको। मैं AI भी कर सकता हूँ ना, एक्टिवेट AI वर्कर, हाँ वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं खुद करूँगा गाइस। हो रहा है, ऊपर पता थोड़ा सा करता हूँ, ऊपर पता चलेगा। 1%, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। 2% हो गया। फील्ड बड़ा है लेकिन इसकी स्पीड भी सही है, 25 की स्पीड पे हो रहा है ये। लेकिन ये मुझे पता कैसे चलेगा कि इतना हो गया और इतना रह गया? अल्टीमेटली मुझे AI का एक्टिवेट करना पड़ेगा, AI को, है ना, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कितना हो गया और कितना रह गया पीछे। या फिर दूसरी साइड से अगर शुरू करता, पता नहीं यार कैसे ही होगा ये। अभी बड़ा भागता है ये, हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको कर दो लोवर, है ना, आ जाओ। ओके, AI पे लगा दिए मैंने इसको। AI अब देखिए कैसे करते हैं, हैं? अच्छा, चलो AI को करने देते हैं ये काम, हम कोई और काम चल के देखते हैं गाइस, क्या कहते हो? सीधी लाइन में चला रहा है ये। बहुत बड़ा फील्ड है यार ये। ओ, जूम आउट भी कर सकते हैं इसको। बढ़िया यार ये तो, और ये बिल्कुल सीधी लाइन में कर रहा है ना। हम थोड़ा सा उसके साथ साथ कर रहे थे रोड के साथ साथ, लेकिन ये बिल्कुल सीधी लाइन में कर रहा है। और बस रुक गया यहाँ पे। हाँ आप इधर से करिएगा, इधर जूम इन भी कर सकते हैं यहाँ तक। बल्ला बैठा बैठा कैसे हुआ है, चौड़ा हो गया ऊपर। ट्वेंटी 27% हो चुका है, है ना, 28। वैसे मैं कर रहा था तो ज़्यादा स्पीड से नहीं हो रहा था बल्ला? आप तो मेरे किए हुए एरिया पे ये कर रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है। हैं, यहाँ पे क्यों रोक दिया? अभी रहते आगे, आगे कर। ट्वेंटी 29,
अब वजह से ये उसी उसी जगह पे करता जा रहा है फिर से है? पागल है क्या ये आई? अजीब है यार कसम से। चलो इसको करने देते हैं यार, हैं छोड़ दो इसको, हम देखते हैं आगे कहां पे जाए। इसको भी तो यार रखना था ना, ओके मैंने रख दिया वो। हाँ जो इसको ले चलते हैं वापस उधर, दूसरी एक और फसल है उसको हमने करना है हार्वेस्ट। ठीक है, हमें वॉल्टर ने एक और जगह बताई है, वहाँ पे फसल जो है बिल्कुल तैयार खड़ी है, पक चुकी है क्रॉप, तो उसको हमें चल के हार्वेस्ट करना है। तो इस मशीनरी को हम लेके चलते हैं उधर। आ जाओ गाइस, और हमें रिपेयर भी करवानी पड़ेगी इसकी, जैसे जैसे वो मेंटेनेंस वाला गेज नीचे जा रहा है ना, तो फिर हमें एक वक्त आएगा हमें ये रिपेयर करवानी पड़ेगी जो भी हो जाए। लेट्स गो गाइस। बस 27 तक जाती है इसकी स्पीड है ना, बस। अबे कहाँ चढ़ गई ऊपर? मैं स्पीड को देख रहा हूँ ऊपर जा रही कि नहीं, और वो इधर ऊपर चढ़ गई। कमाल है। ओ अंदर कितना सुकून है यार, खामोशी है और बढ़िया भी आ रहा है अंदर से सीन ना। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गाइस उस क्रॉप के ऊपर जहाँ हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ से इसको डीटैच करते हैं और इसका हेड लगाते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद लगा देंगे AI को, चलो भी फसल को करो हार्वेस्ट। ओके हेड लग चुका है इसका। आ जाओ यहाँ से शुरू करते हैं ना, इस खंभे को गिरा के यहाँ से शुरू करते हैं। आ जाओ इसको नीचे करो। अबे इसको खोलना था, बंद नहीं करना, इसको खोलना है। हाँ ठीक है, इसको चला दो, इसको नीचे करो और काम स्टार्ट। आ जाओ, और ये है वो कैनोला, कैनोला का है फील्ड। ठीक है, ये खेत कैनोला का है गाइस, और इसके हमें कैनोला के बीज मिलेंगे ब्लैक ब्लैक। हमें ये एक दो दो पौधे छोड़ क्यों रहा है पीछे, पता नहीं यार कैसे काम करते हैं। स्ट्रॉ इज़ नॉट अवेलेबल फॉर करंट क्रॉप टाइप। अच्छा इसके स्ट्रॉ नहीं होते, वो सिर्फ वीड के होते हैं। और ये ऊपर कैनोला निकल रहे हैं ब्लैक ब्लैक, नज़र आ रहे हैं आपको, मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ा सा ना। इसकी मेंटेनेंस लेवल कम नीचे चुके आ रहा है यार। आ जाए AI काम कर इस पर, AI को दे देते हैं ना, यहाँ से शुरू कर चल गला देता। ये देखो गाइस ये ऊपर इसके ब्लैक जो है वो कैनोला सीड आ रहे हैं, उधर एक नाला बह रहा है। अच्छा यहाँ से पानी को नहीं भी गुजर रहा है, ऊपर से आ रहा होगा नहर से या नहर में जा रहा होगा पता नहीं। बढ़िया काम करता है AI भी इसमें गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कितना काम किया अभी पता नहीं यार, वो भी लगा हुआ है। ओके ये अटैच हो चुका है, लेट्स गो। ये देखते हैं कहाँ पे पहुँचा नल्ला। अबे छोड़ क्यों रहा है बिसाइड पे, इसको भी काट। हाँ ये लेके चल, शाबाश वेरी गुड। अब ऊपर से घुमा के ले आ, और ये भी कर रहा है वीडिंग। ठीक है कंप्लीट, अबे कंप्लीट कर दिया इसने, वाओ।
जब तक मैं देख रहा था ये कर ही नहीं रहा था। ओके इसको सर अनफोल्ड, वो फोल्ड करते हैं वापस से और फिर इसको उधर ले आएंगे, क्योंकि हमने ये वो बोरो किया है ये टूल, तो वो कुछ कीमत लेते हैं इसकी बोरो करने की, तो अब हमें इसको वापस भी करना पड़ेगा। आ जाओ लेट्स गो। इतनी तेज ट्रैक्टर चलते हैं वैसे? हाँ शायद चलते हैं, खाली हो तो इतनी तेज से चलते ही हैं। ओके हम आ चुके हैं इसके, कहाँ पे था वो, इसी के पेट्रोल स्टेशन के बैक साइड पे था ना, यहाँ से घूम के चलते हैं अंदर। यहाँ पे चलो जी इसको कर दो डिटैच, ठीक है, और इसको छोड़ दो इधर, ठीक है गाइस। हाँ जी पेंट मी ग्रीन एंड कॉल मी अ क्यूकम्बर। और कुछ है क्या, और क्या करना है कुछ बता, से बात करें या कुछ काम मांगे? श्योर एनी विजिटर डोंट कंफ्यूज योर पॉप्स विद अ वाइज मैन आई नो सम थिंग्स दो। अच्छा तो बता दे, थ्राइविंग फार्म इज बिल्ट ऑन एफर्ट डिलिजेंस पेशेंस एंड नॉलेज पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस और शेयर्ड विद एनीवन, एग्री? दैट्स राइट किडो, व्हाट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टू मी ऑफ कोर्स इज पासिंग द नॉलेज ऑन। You get it, obviously. Yep. But it shouldn't stop with the next farmer in line. Today, a lot of knowledge about farming is not present in the minds of the population. Bilkul. I guess I can somewhat understand. ठीक है. The world is a very dynamic, sometimes overwhelming place. People have a lot of. Yes. बढ़िया काम चल रहा है और वो फुल होने वाला अपना वो ऊपर वाला जो है। अबे फुल हो गया और वो उसने काम ही स्टॉप कर दिया, मैं सोच रहा हूँ ये रुका क्यों हुआ है, वो ऊपर से वो जो सीड बॉक्स था ना उसका वो फुल हो गया, तो हमें ये ट्रेलर लेके जाना पड़ेगा सीड्स निकाल के और सीड्स को हम बेच देंगे फिर, ठीक है। आ जाओ गाइस जल्दी से चलते हैं इसको लेके उधर, आ जाओ उसके बगल में खड़ा कर, अभी उसको इधर ले आऊँ क्या, है ना? हाँ इसको ले चलते हैं उधर। ओके तो अब ये अनलोड हो रही है, इसको यहाँ पे कर देते हैं नीचे ना गिर जाए। पता नहीं अपने ट्रेलर की कितनी कैपेसिटी है, शायद इसके बराबर ही हो, होपफुली वो 45 और वो 52, पता नहीं कितनी है यार,
मुझे लगता है इक्वली होगी, एक फुल हो जाना चाहिए। अगर इसमें रह गया ना पीछे तो फिर एक चक्कर एक और लगाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हो गया। ओके तो ये उसके बराबर ही कैपेसिटी रखता है ये वाला, ठीक है। अच्छा तो पता चला यहाँ से। आयो गाइस इसको लगा देते हैं एआई पे, क्या कहते हो? चल भी एआई अपना काम कर, यहाँ से शुरू हो जा और अपना काम कर। एआई पे लगा दिया और खुद हम इसको लेके चलते हैं जाके बेच। ये दो सर्कल क्यों आ रहे हैं मैप में? चलो छोड़ो, इसको बेच के आते हैं गाइस। लेट्स गो। भाई मैंने इसको बेच दिया, पता नहीं उस मालिक को जमा करवाना था जिसका वो फील्ड था या इसको बेचना था, पता नहीं। बहरहाल मैंने बेच दिया और उसके पैसे भी मुझे अच्छे खासे मिल गए हैं गाइस। हेलो, बढ़िया हो गया ना। लेट्स गो। चलें वापस आ जाओ। क्या हम इसको भी एआई के ज़रिए घर पहुंचा सकते हैं? पता नहीं, होना तो चाहिए ऐसा भी ऑप्शन। Making those crops thrive as they should. Do you own the required machines? अब इसे नेक्स्ट काम लेते हैं। How do you want to do? कहते मेरे पास है यार मशीन, ठीक है। फर्टिलाइजिंग करनी है। अबे फर्टिलाइजर तो है ही नहीं मेरे पे। फर्टिलाइजर गाइस बाय करना पड़ेगा अभी हमें, क्योंकि हमने उसको कह दिया कि भाई हमारे पास है मशीन। बाय। ठीक है, इसको फर्टिलाइजर पे लगा दूं क्या? ऐसा क्यों है कि मेरे पे कोई पता नहीं यार। मुझे लगता है मुझे ना वापस उसी पे जाना पड़ेगा जहाँ से वो ट्रैक्टर हमने बोरो किया था ना, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजर नहीं है। ये तो वो है ना, सीडर है। हाँ ये सीडिंग करने वाला है, सीडर है मतलब। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है यार मेरे पे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पे यार फर्टिलाइज़र वाला। भाई यहाँ पे मुर्गियों वाला वो भी बना हुआ है, इसमें मुर्गियाँ नहीं है, मुर्गियों वाला वो बना हुआ है पिंजरा, क्या कहते हैं इसको, मुर्गी का घर। और यहाँ पे बोट बन रही है, वाह। अबे दादाजी के तो बड़े शौक हैं यार। वुडन प्लैंक्स, ओह ये बोट के लिए वेयर हाउस अलग से बना हुआ है। भाई मैं भी कहूँ यहाँ पर फिशिंग भी हो सकती है इसका मतलब। बढ़िया यार, आ जाओ। और यहाँ पे मेरे ख्याल में भेड़ बकरी होगा। प्लैंक्स चाहिए ना, ये प्लैंक्स का मेरे ख्याल में सिंबल है। और नीचे लिखा हुआ वुड बीम चाहिए है, प्लैंक लॉन्ग और प्लैंक्स 1000 क्वांटिटी ईच, स्मॉल शेड बनेगा। और ये बी वाला घर है भाई, मक्खियाँ भी हैं यहाँ पे, शहद की मक्खियाँ, तो यहाँ पे शहद भी बन सकता है। अबे यार बहुत कुछ है यार यहाँ तो। और ये वो सोलर पैनल लगा हुआ भाई, कमाल है। और ये मेरे ख्याल में एंट्री है, यहाँ पे वो बड़ा सारा फूल लगाया हुआ है, ठीक है। और एंट्री के सामने साइलो है अपना, जहाँ पे हम स्टोर वगैरह करते हैं अपना दाना अनाज। अच्छा यार वो कहाँ पे है मशीनरी, मैं भूल ही गया था। फर्टिलाइज़र हमें ढूंढना है, लेकिन हमारे पास फर्टिलाइज़र है नहीं। और ये मशीन वाला अपना काम कर रहा है गाइस, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है। अबे ये कहाँ अटका हुआ है एआई? अबे अटक गया एआई। अबे नहीं यार एआई कहाँ अटका दिया इसको। अबे इसको क्या करे, ये निकालेगा नहीं इधर से, है ना, ये फुल अटका हुआ है भाई। गेम वालों देख लो अपने एआई का काम, यहाँ पे एआई अटक गया बिल्कुल, फारग है ये। आ जाओ
यहाँ से चलते हैं इधर को। चलो और ये कंप्लीट हो गया है ना, अभी रहता थोड़ा सा। ओ रहता है, 80% अभी शो कर रहा है ये, पता नहीं कितना होना था। फील्ड तो सारा खाली हो चुका है, फिर 80% क्यों पता नहीं यार, अजीब हो रहा है इसमें। मुझे यार लग रहा है कि वो बेचना नहीं था, जो मैं बेच आया हूँ ना, बेचना नहीं चाहिए था उसको। इसका अपना साइलो है, उधर जाके इसको वो डिपॉजिट करना था। पता नहीं यार, मैं बहरहाल बेच आया हूँ। आ जाओ इसको भी जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी कर यही, थोड़ा स्लो काम करता है ये। चलो ख़त्म, फिनिश। ओके एआई का काम फिनिश हुआ गाइस, इसको अभी ले चलते हैं हम, उस पर लोड करते हैं ट्रैक्टर, वो क्या कहता है, ट्रॉलर में, ठीक है। और फर्टिलाइज़र फील्ड 7, इसके साथ वाला 27 वाला फील्ड है, उसको फर्टिलाइज़ भी करना है, तो फर्टिलाइज़र अपने पे नहीं है, अभी लेके आते हैं, फिर करते हैं उसको फर्टिलाइज़, ठीक है। अभी इसको फिल करते हैं इससे, और ये ले जाएंगे उसके साइलो में डाल के आएंगे, ठीक है। ओके ये खाली हो चुका है, इसको वापस से फोल्ड करते हैं, ठीक है। आ जाओ अभी ये गिराना दे, ओह बच गया, मुझे लगा था इसको ट्रेलर को गिरा ही ना देगी। अबे वो कहाँ पे है, इसको पहले छोड़ गया हूँ मैं। ये इतना बड़ा साइलो इसका, भाई पक्का फार्मर है ये। नहीं आगे नहीं था जाना, मैं गलत चला गया हूँ, इधर जाना था है ना, इधर चलते हैं। अबे उठा दो ये खम्भे शम्भे गिरा दो। ये है इसके साइलो का एंट्रेंस, इसके अंदर डालना है इसका सारा दाना पानी। यहाँ पे इसको डंप कर दो, यहाँ पे जा रहा है इसके अंदर। ओ इससे परसेंटेज बढ़ रहा है भाई, गलती होगी, वो जो पहले मैंने उधर बेच के आया हूँ ना, वो भी इधर डंप करना था आके। अब ये जॉब कभी कंप्लीट नहीं होगा यार, ये मेरे से माइनस करेगा वो ना। -167 पेमेंट हो चुकी है। अबे यार, और ये हार्वेस्ट तो नहीं करना ना, इसको तो फर्टिलाइज करना है। हाँ ये फील्ड था हार्वेस्ट वाला, हमने कर दिया, अब इसको करना है वो कल्टीवेट करना पड़ेगा, हल चलाना होगा इसमें है ना गाइस। तो मैं वापस आ चुका हूँ शॉप पे, शॉप से लेते हैं फर्टिलाइज़र एक मशीन, यहाँ से मुझे बताया किसी ने, वैसे मैंने खुद ही फाइंड किया था, बताया तो यार कोई नहीं किसी ने, ना मैंने पूछा किसी से। तो यहाँ पे हम मशीनरी ले सकते हैं, यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र की कैटेगरी बनाई हुई है इन्होंने, भाई बहुत बड़े बड़े हैं वो। ओके तो यहाँ पे एक सबसे छोटे वाला है, 2000 का मिल रहा है, और इसकी 120 kg इसकी है कैपेसिटी, और 14 मीटर इसकी विड्थ है, और 18 की स्पीड जो है वो ये गेन कर सकता है किलोमीटर, ठीक है। तो और ये बड़े वाला जो है, बड़े वाला उसकी 120 kg थी ना, हाँ इसका 573 kg है। और अबे यार ये सबसे बड़े वाला ना ले लें, 4.1 टन इसकी कैपेसिटी है फर्टिलाइज़र की, तो एकदम ही हम इसको परचेज करके इसको भर के रख देंगे, क्या कहते हो, इसको देखें ज़रा। अबे ये तो बाप चीज़ है यार, इतना बड़ा फर्टिलाइज़र, और पीछे उसके वो भी बड़े बड़े पंखे शंखे लगे हुए हैं, इससे क्या हुआ, हाँ उसकी वो टायर चेंज हुए हैं और कोई कलर शलर पता नहीं क्या हुआ है। चलो गाइस इसको स्पेस लीज नहीं लेना, बाई करना है इसको। हाँ मैं बाई ले करने लगा हूँ, यहाँ से हम लीज पे भी ले सकते हैं मशीनरी, अगर हमें कभी कभार चाहिए हो तो, हमारे पास पैसे ना हुए तो। लेकिन हम अभी हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा है तो हम इसको परचेज ही कर लेते हैं, और ये ट्रैक्टर इसका ले जाते हैं गाइस। आ जाओ, पता नहीं मुझे लगता यार ये मशीनरी और ट्रैक्टर मेरा है, क्योंकि अगर लीज़ का ऑप्शन उसमें आया था ना लिस्ट में, तो लीज़ करने पे वो चीज़ बाहर आएगी ना, ये तो ऑलरेडी बाहर ही था इस पर। अबे नीचे की उतर गया, नल्ले वापस बैठ। ओके इसको ले के, अभी ये तो खाली है, 0% है ना, इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा अभी, और ये वापस से शॉप पे जाना पड़ेगा, फिर और खर्चा करके आते हैं यार।
आ जाओ। ओके ये वाला बैग ले लेते हैं गाइस। कितने लिए? एक लिया मैंने, इसको रिफिल करते हैं, देखते हैं कितने परसेंट ये फिल होता है। 4.1 टन था ना, तो मतलब उसका 1% होगा, 4000 किलो है ना, तो 1% का होगा 100 किलो। तो ये बैग कितने का, इससे आइडिया हमें हो जाएगा। इस बैग को हम करते हैं फिल। ओके 1000 पाउंड हो चुका है, मतलब 100 ऑलमोस्ट यार। लेकिन मैं कह रहा हूँ किसको ना फुल्ली कर लेते हैं, आ जाओ गाइस दोबारा से चलते हैं और ख़र्चा करते हैं। पैसा अपने पास अंधा पड़ा होगा यार, अंधा पैसा लेके आए हम। ठीक है ओके, तो इसको करते हैं अभी वो क्या कहते हैं फिल। ओके फिल हो चुका है, 9000 पाउंड हो चुका है इसमें फिल, 90%। ठीक है अब इसको ले चलते हैं वहाँ पे, कहाँ पे फर्टिलाइज़र करना था, जल्दी से लेके चलते हैं इसको उधर। आ जाओ गाइस, एआई वर्कर हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। ओके यहाँ पे इसको लगा देते हैं, फर्टिलाइज़र को ऑन करते हैं। अबे उसने स्प्रिंकल करनी स्टार्ट भी कर दी है, बढ़िया यार। तो यहाँ पे एआई को दे देते हैं, एआई करेगा खुद ही सारा काम, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये खुद ही देख लेगा। अबे वो यार अटका हुआ है, लास्ट जॉब हमारा ना फील्ड 26 वाला जो था ना हार्वेस्ट का, वो हमने यार बेच दिया गलती से। अब पता नहीं वो वापस होगा कि नहीं होगा। अबे फर्टिलाइज़र कितनी स्पीड से हो रहा है, मशीन बढ़िया ना। केटी को विजिट करके आती है, आ जाओ केटी, तब तक एआई काम करेगा। ये क्या करती है? हाँ I'm Katie. Nice to meet you. ठीक है। Let me welcome you to our small town. As I just said, I'm Katie. I took over my parents' farm 4 years ago, continuing the family business after traveling the world as one does. But I'll tell you all about that another time. अच्छा। So what can I do for you? कुछ भी पूछ लेते हैं इससे। That's good. I specialize in livestock. We got chickens, cows, sheep, pigs, horses, even bees. Also our recent additions, goats and water buffaloes. It's quite an eclectic ensemble of creatures, if I can say so myself. If you want to dip your toes into animal husbandry, come to me. Achha. I'm not only dealing with the livestock, I can also give you important advice. Theek hai. I've been working with animals all my life, you see. Even when traveling the world, I occupied myself with the local fauna. And I collected some stories on the way. So your livestock mein hamari help karegi. That and some myths and legends. Maybe I should start a podcast. Anyway, I'm sure you and I have got stuff to do, animals to feed and so on. So don't let me keep you. I'm sure we'll have time to talk again. ठीक है। और कुछ पूछना है इससे? और कोई बंदा है यहाँ पे? ये है डेविड, इससे मिलते चल के। हाँ भाई डेविड तू क्या करता है? Hey there, neighbor. If it is not nice to meet you, I don't know what is. I'm David. Call me Dave if you want to. Don't have to. I'm happy with either. Sure am, buddy. I mean, aren't you in this beautiful place? Welcome to the neighborhood. Saw you moving in the other day. I'm new here too. I came here almost 2 years ago, so I'm still a newbie in the eyes of the town folk, and probably will be for a long time. Especially since I don't have a farming background and came from the city. Did something completely different before. What brings you here, buddy? Pops is your grandpa? Yeah. Awesome. I love him. I think we're gonna be on good terms, friend. Let's talk some more and get to know each other when you're settled in. I bet we can help each other out here and there. I'll definitely tell you about all the mistakes I made so far, hoping you don't hear about them from the others first, if it's not too late. But more importantly, so you don't make the same mistakes. ठीक है। Let your grandpa be disappointed in me instead of you. Thank you. Also, you want to avoid tauntingly being stared at by our local lumberjack, Noah. I swear his sharp stare while shaking his head can fell a tree. अच्छा। So, feel free to come by and chat me up anytime, buddy. I'll take some time for you. If I don't, ठीक है, नेक्स्ट बंदे से मिलते हैं। ये I don't know you. अबे ये तो वो डॉक्टर
आई वो रोबोटनिक जैसा लग रहा है ना जो वो सोनिक द हेजहॉग मूवी में था, सोनिक वाली मूवी में, बस मूंछें थोड़ी सी बारीक हैं इसकी, बंदा वही लग रहा है मुझे। You want to know more? Then I will comply with your request. Well, my father Harold is a retired carpenter. He built a successful carpentry business focused on chairs. He did many other things as well, but chairs were his favorite. That's why he called his carpentry company Charismatic Woodwork. Yes, exactly. A pun as a company name. That's him, a jokester through and through. And he always wanted me to step into his shoes. But as you grow up, you start to develop your own interests. And do not necessarily share unnecessary amounts of wordplay. I'd rather provide the raw wood itself. That's why I'm a lumberjack, doing the lumbering. There are so many factors to keep in mind before you can even start thinking about carving something after the wood harvest. Type of wood, its quality, age, moisture level. तो ये मास्टर बंदा इस काम का ना? Being a lumberjack, I start the process even earlier than the usual wood carver. I plant the trees. I have to think about the quality of the soil, the climate, the forest composition, etc. Tending to trees is akin to conducting an orchestra. Achieving harmony is essential to creating a symphony of beauty in every little masterpiece. I am the conductor. My family is just playing some out-of-tune trumpets, if you know what I mean. I profusely apologize if this is perceived as hostile. They are good people. Skilled. But I think puns and basswood are holding them back. To continue the story, however, lucky me, my sister Melissa took over his workshop. She is quite the skilled carpenter. Always wanted to work in his wood shop, and so our father granted her wish. I never really got into carpentry the way my father and sister did, but I do in fact like carving wooden figurines. Both my sister and I have a talent for wood carving. The moment we were able to handle a wood carving knife, we were competing to carve the most elaborate figurines. It's still up for debate which of us is more proficient at wood carving. She primarily uses basswood. If you ask me, that's enough to end the debate right here. She used to live in Silver Run Forest. Her figurines are quite popular over there. I think a lot of words were said now. As I have to proceed with my business, I wish you farewell. चलो गाइस चलते हैं, सारे बंदों से हमने मिल लिया जहाँ पे जितने भी थे, और ये ट्रेन आ रही, बस ट्रेन देखनी रह गई थी पीछे। अबे क्या ये ले, हम ट्रेन को भी कर सकते हैं ना वो, बोरो कर सकते हैं या क्या कहते हैं इसको, किराए पे ले सकते हैं। अभी जंप करके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। और आगे पानी है, पानी में जा सकते हैं क्या, कोई सीन है पानी में जाने का ऐसा कोई? लेट्स सी। अबे पानी में तैर भी सकता है अपना बंदा, बढ़िया यार। तो ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ी तो हम पानी में तैर के भी जा सकते हैं जल्दी से। लेट्स गो। ओके गाइस, यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, ऐसी वीडियोस मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।